बड़ी खबर, इनेलो विधायक रामचंद्र कंबोज का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बड़ी खबर, विधानसभा स्पीकर ने कंबोज का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा स्पीकर ने कंबोज का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और खुद विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने इसकी पुष्टि की है। कंबोज कुछ दिन पहले पार्टी से भी इस्तीफा दे चुके हैं और अब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जानकारी दें आपको कि रानिया से इनेलो के विधायक थे रामचंद्र कंबोज और अब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, कंबोज का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, खुद इसकी पुष्टि विधानसभा स्पीकर ने की है, क्या हालात बने हुए हैं? जो रामचंद्र कंबोज का इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया है और इस बात का खुलासा भी आज ही हुआ है कि जब उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था 15 तारीख को जी। तो 15 ही तारीख को इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भी अपना इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन जो है विधानसभा अध्यक्ष को आज ही वो इस्तीफा मिला। उनके मुताबिक उन्होंने इस्तीफा मिलते ही स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जो है कंबोज आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष से मिले भी थे और आप जानती हैं कि एक कई दिनों से चर्चा थी, हमने कल ही कंबोज से बात भी की थी, उन्होंने संकेत दिया था कि वे इस्तीफा जो है विधानसभा से भी दे देंगे और अब कुल मिलाकर जो है विधानसभा में 82 सदस्य रह गए हैं। जो एक सदस्य है जसविंदर संधू, उनकी सीट खाली है, उनकी डेथ हो गई थी और आप ये भी जानते हैं कि कन्या सीट जो नायब सैनी क्योंकि MP बने हैं तो उनकी सीट भी खाली है और इसके बाद अब 6 जो है इनेलो से सदस्य टूटकर बीजेपी में जा मिले हैं। नसीम अहमद जो हैं वो एकमात्र ऐसे हैं जो कांग्रेस में गए हैं, हालांकि इनकार कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में नहीं गए हैं और उन पर जो है याचिका दी गई है स्पीकर की कोर्ट में। तो कुल मिलाकर जो है रामचंद्र कंबोज का इस्तीफा स्वीकार हुआ है और इसके साथ जो 2 अगस्त से सत्र शुरू होगा उसमें पूरी तरह से उसका नजारा अलग होगा। सिटिंग प्लान चेंज कर दिया गया है। पहले जब स्पीकर के जो लेफ्ट साइड में है इनेलो बैठती थी क्योंकि मुख्य विपक्षी दल था और कांग्रेस को सामने सीट दी गई थी, लेकिन अब जो इनेलो की सीटें हैं प्लान के मुताबिक वो अब कांग्रेस को अलॉट कर दी गई है, कांग्रेस विधायक दल की। बिल्कुल लौटेंगे राकेश जी आपके पास और आप बने रहिए फोन लाइन पर। फिलहाल ये बड़ी खबर जिसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं।